हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, आज हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को पिक करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। मेरे पास न्यूमेरिकल लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्या हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ पाई ओवर 6 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको ब्रैकेट में पैक किया गया। मैं चाहता हूँ तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता, पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये लिखा है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहो तो रफ वर्क कर सकते हैं, लेकिन अब तक आपके दो लेक्चर हो चुके हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप ये डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रफ वर्क जरूर करूँगा। साइन इनवर्स में लिखा हुआ है माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आप इसमें को वाई ले लें, तो वाई जो हो सकता है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन अ क्लोज इंटरवल हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसकी वैल्यू हो सकती है, अगर आप साइन वाई लिखना चाहें लिख दें। यहाँ से मैंने माइनस होल्ड किया, ये वैल्यू होती है साइन 60 की, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 को हम लोगों ने पाई बाई 3 से मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये माइनस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पाई ओवर 3 के साथ लिख दिया है, और साइन वाई अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो वाई की वैल्यू माइनस पाई ओवर 3 मिल जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता तो भी मैं लिख देता, बट एनी वे साइन ऑफ पाई ओवर 6 तो ये लिखा है माइनस साइन इनवर्स समथिंग। अब मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर आपने कर दिया तो ये बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं कर पाते तो समझने की कोशिश करोगे, साइन इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, और साइन की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है, ठीक है। यहाँ लिखा है माइनस, इसका मतलब ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात रही होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निगेटिव हो जाता है, और रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन में किसका मीनिंग नंबर एंगल होता है, साइन 60 का। इसका मतलब हो गया कि माइनस साइन 60 डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, तो माइनस यहाँ लिखा है ये प्लस हो जाएगा, और 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिख देते हैं, ये आ गया। अब 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, दैट मीन्स साइन पाई ओवर 2, ऐसे लेके कर लेंगे तो आपका पाई ओवर 2 मिलेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। देखने में न्यूमेरिकल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एक हमने कंप्लीट कर लिया। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी टाइप का, न्यूमेरिकल नंबर 2, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड एंगल पाई ओवर 6 भी लिखा है, ठीक है। इसको मैंने पैक किया, अब यहाँ पर भी एक मैं रफ वर्क कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट पहले लिखता हूँ। ये लिखा है कॉस इनवर्स समथिंग, निगेटिव है, चलो कोई नहीं, कॉस इनवर्स निगेटिव वैल्यू है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है, और निगेटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल नहीं होगा, अब एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है। तो याद करो कि कॉस की वैल्यू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कब होती है, साइन कॉस 30 की वैल्यू यही होती है। इसका मतलब हुआ कॉस 30 इट मीन्स कॉस 150, तो कॉस 150 की वैल्यू यही होगी, तो आंसर आएगा 5 पाई ओवर 6 प्लस पाई ओवर 6, और आप इसको ऐड करोगे तो कॉस 6 पाई ओवर 6, तो आपको मिलेगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, ठीक है। अब मैं इसको एक लॉन्ग कट प्रोसेस से करके दिखाता हूँ। ये लिखा है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 निगेटिव के साथ, इसको आपने वाई लेट किया, आप उसको बताओगे कि वाई जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रोसीड फिर से करते हैं। ये लिखा है माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये लिखा है कॉस वाई, तो ये एंगल कॉस में किसका होता है, माइनस को अगर मैं होल्ड कर लेता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट माइनस के साथ इन्वॉल्व करता हूँ, तो ये एंगल होता है कॉस 5 पाई ओवर 6 का, ये वैल्यू निकल के आती है माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है कॉस वाई। यहाँ से आप कंपेरिजन करोगे तो 5 पाई ओवर 6 उसकी वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। यही मैंने डायरेक्ट वहाँ लिख दिया था, आप ये करोगे तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। तो आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आओ हम लोग आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में लिखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 पाई ओवर 3, इस एंगल को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है बेटे,
साइन इनवर्स 1/2 होती है साइन 30 मीन्स पाई ओवर 6। यहाँ निगेटिव है तो माइनस पाई ओवर 6 आपके पास मिल जाएगा। अब तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये लिखा है कॉस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, निगेटिव है ठीक है। तो कॉस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 30 की वैल्यू ये होती है, इसका मतलब कॉस 150 की वैल्यू होगी क्योंकि 0 टू पाई जाते हैं और यहाँ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 जाते हैं। तो 0 टू पाई जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्किप करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो 30 की हो सकती है या फिर 5 पाई ओवर मतलब 150 की, 5 पाई ओवर 6। तो मैं लिखूंगा 5 पाई ओवर 6 ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो 4 पाई ओवर 6 मिलेगा और इसको कटिंग करता हूं तो 2 पाई ओवर 3 मिल गया। तो प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया राइट साइड भी आ गया, तो ये आपको न्यूमेरिकल प्रूव हो गया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3 टुडेज क्लास। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, तो आज की क्लास का मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पिक करता हूं। लिखा है कि यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ओके। तो दो चार न्यूमेरिकल हैं, यहां से मैं एक दो न्यूमेरिकल को पिक कर लेता हूं। तो ठीक है, मैं एक बेसिक न्यूमेरिकल यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज लिखा हुआ है। तो मेरे पास है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हमने कौन फाइंड आउट करना है तो कॉस इनवर्स 1/2, तो ये कॉस किसकी वैल्यू होती है 1/2, याद करो। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है मीन्स पाई ओवर 3, माइनस लगा दिया, 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। साइन इनवर्स 1/2 30 होता है, अभी नेगेटिव 30 हो जाए क्योंकि माइनस है, माइनस पाई ओवर 6 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई ओवर 3 प्लस अगेन पाई ओवर 3, बिकॉज 2 से कटिंग हो जाएगी 6 की, तो यहाँ 3 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली आंसर 2 पाई ओवर 3, ठीक है। ओके, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आंसर निकल के आएगा 2 पाई ओवर 3, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो अगला न्यूमेरिकल हम लोग पिक करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 आज की क्लास का। चलो एक थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल ले लिया जाए, टेन इनवर्स से रिलेटेड ले लेते हैं। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है, ट्रिगी न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन में रूट 3 वैल्यू किसकी मिलती है एक बार याद कर लेते हैं। तो टेन 60 की वैल्यू मिलती है, इट मीन्स पाई ओवर 3, ये माइनस लगा दिया। कॉट इनवर्स में रूट 3 वैल्यू किसकी मिलती है, कॉट 30 की वैल्यू यही होती है, इट मीन्स, और ये कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती 0 टू पाई क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, इसका मतलब जो भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्टली पाई बाई 2 को स्किप किया गया है। तो कॉस कॉट इनवर्स अगर नेगेटिव है और कॉट की वैल्यू रूट 3 है तो 30 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है 150, इट मीन्स 5 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6 पॉजिटिव आएगी। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो अब 2 के मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लाई ये 6 हो गया, तो 2 पाई माइनस 5 पाई ओवर 6, लाइक एलसीएम दिस इज ऑल्सो सॉल्व इट माइनस पाई ओवर 2 फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखो मैं वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आप लोगों की भी ऐसी प्रैक्टिस हो कि ये वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखे, क्योंकि बच्चों आप प्लस टू में हो। तो अब आपसे कोई टीचर ये नहीं सोचेगा, ये उम्मीद नहीं करेगा कि आपको ये वैल्यू नहीं पता होगी, आपको पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो आप देखो कि कॉट में किस एंगल की वैल्यू माइनस रूट 3 होती है, ये पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए 0 से लेके 180 के बीच में, जो भी आपके नंबर्स होते हैं लाइक 30, 45 एंड 60, 90, 120, 150, समझ गए। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 135 एंड 180 ऑल्सो। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। चलो एक न्यूमेरिकल और पिक करते हैं। ये मैंने लिखा है कोसेक इनवर्स माइनस 1 एंड प्लस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। इस न्यूमेरिकल को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लिखा है कोसेक इनवर्स माइनस 1, तो कोसेक में 1 वैल्यू किसकी होती है, पहले तो ये याद करो, ये कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस का पाई बाई 2 मिल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है इसकी रेंज वगैरह क्या है, भाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन अ क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0, ये एक्सक्लूडिंग 0 पर चलता था, ठीक है। अब कॉट में वैल्यू याद करो कि 1/√3 किसकी वैल्यू मिलती थी, तो 1/√3 कॉट में जो वैल्यू मिलती थी वो होता था कॉट 30, इट मीन्स पाई ओवर 6। यहाँ लगा नेगेटिव, एंगल आपका 0 से 2 पाई के, 0 से पाई के बीच का मिल सकता था, तो 0 से पाई का मिल सकता था और ये वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे,
तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 को हम लोग लिखते हैं कैसे, 5 पाई ओवर 6, यहाँ 6 है, आप चाहो तो 3 की मल्टीप्लाई नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कर दो, दिस इज 3 पाई ओवर 6 प्लस 5 पाई ओवर फाइनली 6 एंड दिस इज 2 पाई ओवर 6 एंड फाइनल रिजल्ट इज पाई ओवर 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये वैल्यूज़ को बेटे देखो मैंने कहीं रटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहीं लिखा हुआ है, या वैल्यूज़ को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके साथ में निकल के आएंगी और आप मेरे से भी अच्छा याद रख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। आज का लेक्चर देख रहे हो आप कितना फास्ट चल रहा है, मैंने 6 न्यूमेरिकल्स करवा दिए, ठीक है हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आओ मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ 7th न्यूमेरिकल, क्या लिखा हुआ है, tan inverse of twice cos of again 2 sin inverse 1/2 डबल ब्रैकेट बंद किया गया। अब आप थोड़ा फोकस करें इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, थिंक। सबसे पहले ये लिखा है tan inverse, ये ऐसा लग रहा है कि ये बैंक है और बैंक रॉबरी करनी है तो अंदर वाले लॉक से स्टार्ट करते हैं, अंदर वाला लॉक फिर बड़ा लॉक फिर सबसे बड़ा लॉक, ऐसे ब्रेक होता है ये। 2 लगा दिया, cos लगा दिया, इस ब्रैकेट को भी ले लिया, 2 भी ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, साइन इनवर्स 1/2, आंसर होता है पाई ओवर 6। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा पाई ओवर 3 एंड दिस इज tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ cos ऑफ पाई ओवर 3, यहाँ तक आप लोग पहुँच जाएंगे। ये लिखा है tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा दिया, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई cos पाई ओवर 3, तो cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है, दैट मीन्स 1/2, 2 से 2 की कटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा tan inverse 1 और tan inverse 1 की वैल्यू किसको होती है, पाई ओवर 4, एंगल आपका पाई ओवर 4 होता है उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, तो कितना न्यूमेरिकल हो चुका है टोटल हमारे 7, नाउ we are going to numerical number 8, tan inverse twice of sine of twice of cos inverse of root 3 divided by 2 close bracket again close bracket, this is tan inverse of twice of sine of 2 multiplied by cos inverse root 3 over 2, ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू, ठीक है 30 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो पाई ओवर 6 आता है, इतना वर्क आपने कंप्लीट कर दिया। यहाँ लिखा है tan इनवर्स, ये लिखा है 2 और ये साइन, इसके कटिंग करेंगे तो पाई ओवर 3 आएगा और साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है, दैट मीन्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 की कटिंग कर देते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बन जाता है tan इनवर्स रूट 3 और tan इनवर्स रूट 3 में अगर वैल्यू सर्च करेंगे तो पाई ओवर 3 की वैल्यू होती है। तो क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, ठीक है अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल नंबर 9, 9th न्यूमेरिकल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा है tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई ओवर 6, फिर लिखा है प्लस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 13 पाई ओवर 6। अब ये न्यूमेरिकल को थोड़ा देख कर ऐसा लगा है कि सर कन्फ्यूजन तो नहीं हो गई है, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई है, तो इन्हीं को निकालना हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल का हाफ हाफ पार्ट सॉल्व करते हैं, तो लेट हाफ पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर इसको वाई वन रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने वाई वन रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाई वन क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू वाई वन की, तो tan इनवर्स लिखा है तो रेंज क्या हो सकती है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट, ये हो सकती है वाई वन, ठीक है। आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिस इज tan 5 पाई ओवर 6 एंड tan वाई वन। अब जरा सर्च करने की कोशिश करते हैं, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसका मतलब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहें, उनके बीच में हम लोगों को सर्च करना है और ये एंगल देखो कितना बड़ा हो रहा है, तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो पाई माइनस ओके पाई माइनस पाई ओवर 6, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई, ओके दिस इज tan वाई वन, tan 180 माइनस थीटा, इट मींस एंगल पहुँचेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है,
और चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि 90 to 70 पर चेंजिंग होती है, ये आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस के साथ इस माइनस को इसके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 10 - θ इज इक्वल टू -10θ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरिजन करने पर y1 की वैल्यू मिल गई -π/6। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट क्या लिखा है, cos ऑफ 13π/6 इक्वल टू y2। यहाँ पर आप क्या बताओगे कि जो y2 होगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से π इन अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, cos of 13π/6 इक्वल cos y2। ठीक है, अब आप देखोगे 0 से π के बीच में जाते हैं, क्या ये एंगल मिलता है, ये नहीं मिलता। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, अगर मैं 2π में π/6 को ऐड कर दूँ, देखो जरा 6 × 12 = 12 1π 13π/6 इक्वल टू cos of y2। ओके क्लास, तो आप देखेंगे cos 2π + θ, तो ये आपको पहुंचा देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 एंगल बन गया, 360 में आपने कुछ भी पार्ट ऐड करना है तो वो आपको पहुंचा देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आप लोगों को पता होता है कि कॉस पॉजिटिव होता है, चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि होती है चेंजिंग कहाँ पर, 90 और 270 पर। इट मीन्स आपका आंसर आएगा cos π/6 इक्वल टू cos y2, और कंपेरिजन करने पर पता चला कि y2 की वैल्यू π/6 आई है। ठीक है, तो मैंने दोनों को पैकेट में लिखा है, एक वैल्यू है π/6 और एक वैल्यू है -π/6। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि इसको मैंने y1 लेट किया था, इसको मैंने y2 लेट किया, दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ठीक है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, 0। आप लोगों एक लाइन बाकी है तो मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेट y1 + y2 इक्वल टू -π/6 + π/6, देन फाइनल रिजल्ट इज 0। दिस इज योर मेन आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, एंड दिस इज 10th न्यूमेरिकल। हियर tan इनवर्स ऑफ -1/√3 + cot इनवर्स ऑफ 1/√3 + tan इनवर्स ऑफ sin ऑफ -π/2। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा IQ लेवल यूज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स थीटा अगर लिखा है, tan इनवर्स x लिखा, तो रेंज क्या है, -π/2 to π/2। ओके, या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, वहां पर आपका tan नेगेटिव होता है, और 1/√3 tan की किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, इट मीन्स -30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग रेडी में कैसे लिखते हैं, π/6, तो आपका आंसर आएगा -π/6। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं लिखता हूँ प्लस, ये लिखा है cot इनवर्स 1/√3, तो आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि cot इनवर्स 1/√3 ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू होती है cot इनवर्स √3 cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, 60 डिग्री की, अगर 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। प्लस दिस इज tan इनवर्स एंड sin 90 गिव्स 1 एंड माइनस दिस इज -1 -π/6 प्लस π/3 -π/4 बिकॉज tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2, और ये एंगल कितना देगा, π/4, तो नेगेटिव के साथ π/4 मिल जाएगा। अब आपका एलसीएम का वर्क रह गया है और ये न्यूमेरिकल आपका फाइनली सॉल्व हो गया। आओ मैं एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, ये आपका एलसीएम मिलेगा 12, तो 6 × 12 डबल आ गया, तो 2π हो गया, 4π हो गया, ठीक है, 4 × 12 ये माइनस का 3π हो गया। अगर मैं सबको सॉल्व करता हूँ, यह मिलेगा -π - 5π प्लस का 4π, दैट मीन्स -π, -π/12 आपका फाइनल आंसर है। क्या आप सब लोग समझ गए, ओके ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे थे। अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस न्यूमेरिकल में हमने डाउट है, तो वो न्यूमेरिकल मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।